लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। देवरिया जिला के अंतर्गत सलेमपुर ब्लाम के बन रही ग्राम सभा संग्राम प्रधान राकेश कुशवाहा द्वारा खुदाई का कार्य अमृत निर्माण योजना के तहत उसे ग्राम प्रधान के देखरेख में खुदाई कराया गया। लाखपति शोभांति रामकृष्ण, मंजू देवी, संतोष इंद्रावती, दीनानाथ शर्मा, रामाशीष प्रसाद प्रहलाद सहित मजदूर नामित हैं। रमन तिवारी की रिपोर्ट, देवरिया। नमस्कार प्रणाम, मैं R9 से रमन तिवारी। आज देवरिया जिले के अंतर्गत आज सलेमपुर ब्लॉक ग्राम सभा बन रही ग्राम सभा में ग्राम प्रधान से मैं बात कराना चाहता हूं कि जो मनरेगा द्वारा काम कराया इनके गांव में जा रहा है। जनता द्वारा शिकायत मिली थी मुझे कि बुलडोजर से काम लगा था, उसी बुलडोजर का वीडियो भी मेरे पास आया है। आइए मैं यहाँ के मनरेगा मजदूरों से मैं बात करना चाहता हूँ। आइए मैं बात करना चाहता हूँ एक बुजुर्ग महिला से। जी, आपका नाम? इंद्रावती जी। इंद्रावती देवी जी, कब से आप काम कर रही हैं? कब से? 7 बजे से 11 बजे ले। और रात में बुलडोजर चला, आपको मालूम है? नहीं, हमने को मालूम नहीं था जी। आइए मैं एक और महिला से रूबरू कराता हूँ जो कि यहाँ का वीडियो जो भेजा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है कि कोई मनरेगा मजदूर खाली न रहे, बराबर मनरेगा मजदूरों का कार्य चलता रहे। काम बता दे लो, 2 महीने चलता है जी। आपका नाम? हमारा तो नाम रजीना। नंद जी, बताइए कि आप कब से काम करते हैं? प्रधान के कपड़े ना फोड़ दिए। 2 महीना काम करते हो तो आप जो सरकार द्वारा मिलता है 200 कुछ रुपया, आप उससे खुश हैं? हाँ हाँ, खुश है बनी जाए, बाकी तो बढ़ी तो और बढ़िया बैठे है। कहा लोग मजदूरी और बढ़ जाए, उतना मजदूरी कम होता है। एक और महिला से भी रूबरू कराता हूँ। अभी बन रही ग्राम प्रधान से बात करना चाहूंगा कि जो जनता द्वारा शिकायत मिली है क्या सत्य है क्या सही है, जो कि बुलडोजर द्वारा खुदाई हुई है जो गड्ढे की। आइए मैं प्रधान से रूबरू कराता हूं। जी प्रधान जी, आपका नाम? राकेश कुमार कुशवाहा, ग्राम बन रही। जी प्रधान जी, जनता द्वारा शिकायत मिली है कि बुलडोजर से काम कराए आपने? नहीं, ये सब गलत शिकायत मिला है। हमारे गाँव में अतिक्रमण था रोड का, उसमें जेसीबी चला है, कल के डेट में चला है। बुलडोजर का एथी भी हम लोग को मिला है, वीडियो भी। ये सब फर्जी रिपोर्ट मिला आप लोगों को, रास्ते में जेसीबी का फोटो खींच के लोग भेजे हैं। नहीं, गड्ढे में चलते हुआ मिला है। नहीं, नहीं, ये गलत बात है, गड्ढे में कहीं हो। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है, मनरेगा मजदूरों को मजदूरी देना चाहती है, उसके बाद कोई बेरोजगार ना रहे, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है, उस पर आप क्या संदेश देंगे? हमारे यहाँ जो भी मनरेगा मजदूर हैं समय से काम करते हैं 7 से 11 बजे, और प्रयास में किया हूँ कि हमारे यहाँ जो भी मजदूर हैं जितने 40-50 मजदूर काम कर रहे हैं उसमें 100 दिन का टारगेट है सरकार का, मैं अचीव करने वाला हूँ। 2-4 मजदूर और बच गए हैं, उनका अचीव पूरा कर दूंगा। जो भी हमारे मजदूर मनरेगा मजदूर हैं वहाँ हमेशा काम करते हैं, रोज अपडेट हो रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश के कार्यों से जो है बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं सरकार द्वारा जो भी आदेश मिलता है उसके हिसाब से मैं मनरेगा मजदूर से मैं काम कराता हूँ अपने काम को। लेकिन जो जनता द्वारा वीडियो है उस वीडियो के विषय में क्या कहेंगे? ये सब अफवाह डाला जा रहा है कि हमारे फिल्म की शिकायत है कि प्रधान जी का बेइज्जती हो, यही हमारे यहाँ।